ये देखिए कितना एकदम टेस्टी गाढ़ा और क्रीमी शीर खुरमा बना है। बनाने में एकदम आसान है और मात्र आधा ही लीटर दूध से हम इसको बना लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम टेस्टी शीर खुरमा की रेसिपी। ये केवल हम 10 मिनट में बना के तैयार करेंगे। ट्रेडिशनली जो शीर खुरमा बनाया जाता है उसमें दूध को गाढ़ा करने के लिए कई घंटों तक पकाना पड़ता है, बट आज जो हम बनाएंगे ये मात्र 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा और टेस्ट में आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी ये बनके तैयार होगा। तो चलिए बनाते हैं झटपट टेस्टी शीरखुरमा। तो यहाँ मैंने एक भारी तले का बर्तन लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी में हम ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे जिससे घी का एकदम रिच फ्लेवर इसमें आ जाएगा। घी को गर्म होने देंगे और गैस की फ्लेम को पूरी प्रोसेस में अभी हम कम ही रखेंगे। ये घी अब गर्म हो गया है तो यहाँ मैंने लिए हैं थोड़े से काजू चॉप किए हुए। ड्राई फ्रूट्स की मात्रा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। थोड़े से बादाम डालेंगे, ये भी मैंने चॉप किए हुए हैं। थोड़ी सी किशमिश यानी रेजन्स और थोड़े से पिस्ता, ये भी मैंने चॉप किए हुए हैं। इनको अब हम हल्का गोल्डन होने तक भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे इसमें। इस तरह से जब हम ड्राई फ्रूट्स को घी में भूनते हैं तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है और ड्राई फ्रूट्स थोड़े से क्रंची हो जाते हैं जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। साथ ही घी की खुशबू और ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर भी बहुत ही ज़्यादा उभर के आता है। इसमें हमें बिल्कुल हल्का सा कलर लेके आना है, बहुत ज़्यादा भूनेंगे तो ये काजू जल सकते हैं। इन्हें अब चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे। आप इसमें चिरौंजी, खजूर या अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं या फिर बिना ड्राई फ्रूट्स के भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए ये किशमिश फूलने लग जाएगी इस तरीके से और हल्के से काजू भी गोल्डन हो जाएंगे। बस इसी टाइम पर हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी घी को हम यूज़ करेंगे और इसी घी में हम डालेंगे बारीक वाली सेवई। ये स्पेशली शीर खुरमा के लिए ही यूज़ की जाती है, आसानी से मार्केट में ये मिल जाती है। इसमें मोटी वाली सेवई का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये लगभग आधा कप के करीब सेवई ली है मैंने, ग्राम में ये 20 ग्राम के करीब होगी। अच्छे से अब घी में हम इसको फ्राई कर लेंगे। वैसे ये भुनी हुई भी मिलती है बट उन्हें भी आप अगर हल्का सा भून लेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इनको भी हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है, मात्र 1 से 2 मिनट में ये हो जाता है। तो देखिए गोल्डन होने लग गई है, इसे भी अब निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये भी जल जाएगी और अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अब हम सेम कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे फुल क्रीम दूध। ये मैंने आधा लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम वाला ही दूध को यूज़ करें। इससे शीर खुरमा में एकदम गाढ़ा और टेस्टी रिच फ्लेवर आता है। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ स्ट्रैंड्स केसर के। केसर वैसे तो ऑप्शनल है बट इसको डालने से इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर भी कई गुना बढ़ जाता है। और एक बात का ध्यान रखिए कि इसको पकाते टाइम भारी तले का बर्तन यूज़ करें, जिससे जब हम दूध को पकाएंगे और सेवैयाँ जब हम इसमें पकेंगी तो वो नीचे चिपकेंगी नहीं। अब हम मीडियम फ्लेम पर एक उबाल आने तक इसको पका लेंगे, उसके बाद में हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे। तो जब तक इसमें उबाल आता है तब तक एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा हो और इसी तरह के आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, उसके बाद इस घंटी को दबाना है। ऐसा करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसमें उबाल आ गया है, अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1/3 कप कंडेंस मिल्क। इससे शीर खुरमा में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिच टेस्ट आएगा और ये अच्छे से गाढ़ा भी हो जाएगा, ज़्यादा पकाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे जो टेस्ट आएगा ना उससे आपकी तारीफ़ के बिना कोई रह ही नहीं पाएगा, इतना टेस्टी बनेगा। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो चीनी की मात्रा आप 5 से 6 चम्मच के करीब ले सकते हैं या अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे बढ़िया तरीके से मीडियम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच चीनी। चीनी मैं 1 चम्मच इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि कंडेंस मिल्क भी मीठा होता है, तो
तो चीनी की ज़रूरत उतनी नहीं होती है, इसलिए चीनी आप संभल के डालें अगर कंडेंस मिल्क का आप यूज़ कर रहे हैं तो। देखिए 2 मिनट हो गई हैं, अब हम इसमें डाल देंगे भुनी हुई सेवई और इसको अब हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे अच्छे से दूध में और इसको अब हम उबलने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और इसको टोटली पकाने में हमें 5 से 7 मिनट लगते हैं। तो देखिए अब इसमें उबाल आ चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स। आप इन ड्राई फ्रूट्स के अलावा इसमें चिरौंजी, खजूर या अपने पसंद के और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब ये शीरखुरमा लगभग तैयार है। तो ये मैंने 2 से 3 इलायची लेकर इनका पाउडर बना लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे, 1/4 टीस्पून के करीब है ये। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए कितनी थिक हो गई है, ठंडी होने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो जाती है, यानी गाढ़ी हो जाती है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। मुझे ये पर्सनली ठंडी पसंद है, अगर आपको गर्म पसंद है तो आप इसी समय इसको परोस सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। तो देखिए ठंडी हो गई है और ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। ये देखिए ये झटपट वाली शीरखुरमा की रेसिपी अब तैयार हो गई है। ट्राई करके देखिए इस शीरखुरमा की रेसिपी को, ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और साथ ही उतनी ही टेस्टी भी होती है। इसको सर्व करेंगे ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के। तो तैयार है एकदम मलाईदार, क्रीमी, गाढ़ी और झटपट से बनने वाला शीरखुरमा और बेहद कम मेहनत में हमने इसको बना के तैयार कर लिया है। ज़रूर ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।